आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखने के लिए। भोजपुर के तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता, धार्मिक संगठन के कार्यकर्ता, समाज के प्रबुद्ध लोग, तमाम बुद्धिजीवी साथियों, मैं आप सभी से भाई दिनेश, पूर्व विधायक जगदीशपुर, राष्ट्रीय महासचिव सह संगठन प्रभारी बिहार जन अधिकार पार्टी, आपसे निवेदन और अपील करता हूँ कि 1 मई को मैं भोजपुर जिला के स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया हूँ। लगातार कई दिनों से प्रयास करने के बाद भी अभी तक भोजपुर का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर नहीं रहा है। आज भी सदर अस्पताल हो, वहाँ बेड की कमी है, बेड आज तक खरीदा नहीं गया। भोजपुर के अंदर डॉक्टर अपना निजी क्लिनिक, निजी नर्सिंग होम बंद रखे हैं। प्रखंड स्तरीय जितने भी अस्पताल है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। अनुमंडलीय अस्पताल में किसी तरह का कोई, वहाँ पर 24 घंटा डॉक्टर नहीं है, लोग घूम रहे हैं और आज स्थिति बद से बदतर बनते जा रहा है। लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, बेड के अभाव में नीचे ज़मीन पर सोकर इलाज करने पर मजबूर हैं, किसी को दवा नहीं मिल रहा है। इस परिस्थिति में आज ज़रूरत है संघर्ष के सिवा कोई रास्ता नहीं, आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। और इस मुहिम में मैं चाहता हूँ, यह लड़ाई सबकी लड़ाई है। आज स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ा है, अव्यवस्थित हुआ है, तो इसमें सभी वर्ग के, सभी जाति धर्म के लोगों को कठिनाई हो रहा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसी के मित्र, किसी के दोस्त, किसी के भाई बहन, माता पिता आज पीड़ित हो रहे हैं, आज वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर आज अस्पताल में बेड अच्छा होता, अगर डॉक्टर सुव्यवस्थित ढंग से बैठते, निजी क्लिनिक खुलता, निजी नर्सिंग होम चालू रहता, तो मैं समझता हूँ कि इतना कठिनाई नहीं होता। इतना जितनी जान जा रही है, इतना जान नहीं जाता, इसलिए आज ज़रूरत है। सभी लोग, मैं चाहता हूँ कि सभी पार्टी के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करें, इसमें हिस्सेदारी बने, आप इसमें आकर समर्थन करें, साथ में बैठने का काम करें, आप भी आमरण अनशन करें, जिससे कि एक प्रशासन पर दबाव बने, सरकार पर दबाव बने। और मैं मांग किया हूं कि इस ज़िले के 7 MLA हैं, 3 MNC है, 1 MP है, उनका 1 वर्ष का पैसा स्वास्थ्य विभाग का, आपदा प्रबंधन विभाग का पैसा अगर खर्च कर दिया जाए तो पूरे प्रखंड का, पूरे जिला का प्रखंड स्तरीय अस्पताल सुदृढ़ हो जाएगा। कौन डॉक्टर किसका कब समय है, उसका प्रतिदिन रोस्टर चार्ज सोशल मीडिया पर डाला जाए, जिससे लोग जानकारी कर ले कि किस अस्पताल में कौन डॉक्टर किस समय में बैठे हुए हैं। दुर्भाग्य है कि अभी तक इतने घटना घटने के बाद आज अभी तक कोरोना का एक सेंटर, कॉल सेंटर नहीं खुला, हेल्पलाइन नहीं खुला कि कहीं कोई पर आकर कोई व्यक्ति फ़ोन करे, कहाँ से हेल्प ले। यह चिंतनीय बात है। आज लगातार अस्पताल में हंगामा हो रहा है। हंगामा का कारण क्या है? हंगामा का कारण यह है कि वहाँ सुव्यवस्थित व्यवस्था, अगर बेड नहीं है, अगर जिला प्रशासन चाहता, अस्पताल प्रशासन चाहता, तो तत्काल फोल्डिंग मंगवा लेता, तत्काल बेड मंगवा लेता। इतना पैसा कमी नहीं है कि बेड नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पूरी तरह लापरवाह, गैर जिम्मेवाराना कि किसी तरह लोग आए जाएं, मरते रहें, इनको कोई परवाह नहीं है। तो मित्रों, आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, जिससे कि यह कार्यक्रम सफल हो जाए।